नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कांग्रेस आई तो मुल्ताई जिला और सुखदेव पांसे होंगे तीन विभागों के मंत्री। सुरेश पचौरी का बयान। मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई उप बयान पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी ने मंगलवार बाजार में आयोजित जनाक्रोश यात्रा के तहत आयोजित आम सभा में व्यक्त किए। यदि अब कांग्रेस की सरकार बनी तो मुल्ताई जिला होगा तथा पांसे तीन विभागों के मंत्री बनाए जाएंगे। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री प्रदीप जैन तथा विधानसभा प्रभारी चंद्रिका द्विवेदी, रामू टेकाम सहित बैतूल के कांग्रेस नेता उपस्थित थे। सुरेश पचौरी ने कहा कि भाजपा सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने 22,000 घोषणाएं की, लेकिन एक भी पूरी नहीं की। भाजपा सरकार में पांसे ने कहा कि जनाक्रोश यात्रा के दौरान लगातार बारिश होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इससे साफ है कि मेरा जनता से कैसा रिश्ता है। भारी बारिश में भी लोग उपस्थित हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता से उनके राजनीतिक नहीं पारिवारिक संबंध हैं, इसलिए लोग भी मेरे लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रत्याशी रामू टेकाम ने सभा को संबोधित करने के दौरान आदिवासी समुदाय के लोगों से गोंडी भाषा में संबोधित किया। उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों से कहा कि हम भोले भाले लोगों का हमेशा भाजपा ने फायदा उठाया है, इसलिए हमें कांग्रेस को ही जिताना है तथा यह संकल्प लेना है। भाजपाइयों ने ग्रहण की कांग्रेस की सदस्यता। कार्यक्रम के दौरान जनाक्रोश यात्रा के मंच पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही सभी लोगों को पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी द्वारा कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर कांग्रेस में शामिल किया गया। जिला बनाव धरना मंच पर पहुंचे पचौरी। जनाक्रोश यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी मुल्ताई को जिला बनाव समिति के धरना स्थल पर भी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सुखदेव पांसे सहित कांग्रेस नेता थे। सुरेश पचौरी ने समिति के सदस्यों को यह आश्वासन दिया कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले मुल्ताई को जिला घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ घोषणा नहीं करते, काम करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार 5 वर्ष रहती तो अभी तक मुल्ताई जिला बन गया होता। सिटी रिपोर्टर अविनाश ताईवाड़े की रिपोर्ट।